जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जो लोग नए मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं उनको बता दूं कि मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ, जन्म कुंडली देखती हूँ, आपकी जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आपको बताती हूँ। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या आपके करियर में आपको दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा, तो आप अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर अपने ग्रहों के छोटे छोटे उपाय कर अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट खास टॉपिक पे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक जन्म कुंडली, मैंने कॉमेंट सेक्शन में आपने एक बच्चे की जन्म कुंडली किसी ने दी है मुझे, इस बच्चे की हेल्थ में बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो मैं आपको पहले इसका विश्लेषण कर देती हूँ थोड़ा सा। बच्चे का नाम है निशांत और इस बच्चे का जन्म है 30 नवंबर 2012 का 1:17 दिन का, और बर्थ प्लेस है दिल्ली। मिथुन राशि कुंभ लगन की कुंडली है इस बच्चे की, और राहु की महादशा चल रही है और बुध की अंतर्दशा चल रही है। तो देखिए, इस बच्चे के लिए अगर मैं आपको बोलूं, इस बच्चे के जन्म के बाद से, अगर ये जिन्होंने भी मुझे कुंडली दी है आप रिलेट करिएगा और मुझे बताइएगा जरूर प्लीज, इस बच्चे के जन्म के बाद से आपके हस्बैंड यानी कि बच्चे के फादर के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी शुरू हो गई कामकाज में। अगर उनका बिजनेस है, इस बच्चे के फादर का अगर बिजनेस है, तो आई एम श्योर इस बच्चे के जन्म के बाद से ही बिजनेस में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन आने शुरू हो गए होंगे। अप्स तो क्या बोलूं, मैं कहूंगी कि बिजनेस का डाउनफॉल शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं अभी तक की जो स्थिति होगी वो ये होगी कि कर्जे की स्थिति आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा बन गई होगी, पैसा आप लोगों का बिल्कुल नहीं रुक पाएगा, और पैसा किसी ना किसी रूप में दवाइयों पे खर्च होता ही रहेगा, चाहे वो इस बच्चे के ऊपर हो या इस बच्चे के फादर की दवाइयां बढ़ गई होंगी हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो ये एक तरीके का, अगर मैं बोलूं, इस बच्चे के बॉर्न के बाद 2014 से ही चीजें थोड़ा सा ज्यादा बिगड़ गई हैं आपकी फैमिली के लिए, और इस बच्चे की खुद की सेहत भी 2019 नवंबर से बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। मैं आपसे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए आपने तो सिर्फ एक ही सवाल किया है, लेकिन कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ, तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके या नॉर्मल मैसेज करके प्लीज बताइएगा जरूर मुझे कि कितनी चीजें सही थी उसमें, क्या था, सो दैट यू नो आपको भी पता होना चाहिए कि चीजें कहाँ तक सही आपके लिए बताई गई हैं। और जब आप इस तरीके के कमेंट्स करते हैं ना, तो बाकी लोगों को भी एक हिम्मत मिलती है। नहीं तो मैं जानती हूँ आजकल के दौर में कुछ लोगों ने बहुत परेशान पहले से ही आप लोगों को किया कि भाई बड़ी बड़ी पूजाओं के नाम पे आपसे पैसे ले लिए, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहूंगी जिन्होंने ऐसा किया उनका मुझे नहीं पता, वो ऊपर परमपिता परमेश्वर बैठा है देखने के लिए, लेकिन मुझे मेरा पता है मैं क्या कर रही हूँ, क्या करवा रही हूँ, वो मैं जानते हूँ। तो आप प्लीज बताइएगा जरूर जो जो बातें मैं आज आपको इस जन्म कुंडली में बताऊंगी। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके साथ ही में इस बच्चे को अगर मैं बोलूँ बाय बॉर्न, एक तो इस बच्चे ने लेट बोलना शुरू किया है, इसको बोलने में भी काफी तकलीफ रही होगी, और अभी भी कुछ कुछ शब्दों को ना ये क्लियर नहीं बोलता होगा, या तो ये हकलाकर बोलता होगा या कुछ शब्दों को ये प्रॉपर नहीं बोल पाता होगा। एंड इस बच्चे की देखिए वैसे कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात करूं, किसी चीज को करना चाहेगा तो बहुत अच्छे से कर लेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये रहेगी कि ये टिककर किसी चीज को लंबे समय तक नहीं कर पाएगा, कॉन्सेंट्रेशन का इशू बहुत ज्यादा रहेगा इस बच्चे के साथ में। और साथ ही में पढ़ाई लिखाई इसकी इजीली पूरी नहीं हो पाएगी, या तो किसी कारणवश ये स्कूल नहीं जा पाया करेगा, और स्कूल जा रहा है तो एग्जाम के दिनों में बीमार हो जाएगा, एग्जाम नहीं दे पाएगा, तो इसकी पढ़ाई लिखाई में ना बहुत ज्यादा परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। और हेल्थ वाइज यस, 2014 से आलम ऐसा है कि पैसा दवाइयों में ही आप लोगों का जा रहा है, मैं आपको क्लियरली बताऊं, तो ये कहीं ना कहीं इशू कुछ आप समझिए कि आपके घर का पैसा इस बच्चे के बर्थ के बाद से बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए, पैसा सिर्फ दवाइयों में जा रहा है, और इस बच्चे को शारीरिक कष्ट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा आपके घर में, जो मैं एक बात आपको कहूंगी, आपके घर में ना कुछ बुक्स रखी हुई हैं, आपने ना जैसे धार्मिक किताबें होती है ना,
धार्मिक पुस्तकें होती हैं हमारी, जिसमें हाँ कथा लिखी होती है किसी व्रत की, तो वो पुस्तकें आपके घर में बिल्कुल प्रॉपर नहीं रखी गई है। कुछ फटी पुरानी पुस्तकें हैं जो आपने, किसी का पेज आधा फटा हुआ है और वो आधा फटा हुआ है नहीं, पर वो रखी हुई है। तो इस तरीके की पुस्तकों को घर में बिल्कुल भी मत रखिए। आप आज ही निकाल कर उनको थैली में बांध कर या पेपर में रैप कर कर आप उनको डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं। देखिए, जल प्रवाह मत करिएगा, क्योंकि जल में रहने वाले जो मछलियां हैं, जो जानवर हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। धार्मिक हमारी भावना जुड़ी है, मैं समझती हूँ, लेकिन किताबों को जल प्रवाह करना मतलब कहीं ना कहीं पानी खराब होगा और पानी में रहने वाले जो जीव हैं उनको बहुत दिक्कत होगी। तो आप ऐसी जो पुस्तकें हैं इनको आप पेपर में रैप करिए, थैली में बांधिए और फिर आप डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं। तो ये एक काम आप जरूर कर लीजिए। और इसके अलावा जो आपने ध्यान देना है वो ये कि आप इस बच्चे का, मैं एक उपाय आपको बता रही हूँ, इसको शुरू करवाइएगा। आप इस बच्चे के वजन के बराबर 40 दिन लगातार, इस बच्चे का जितना भी वेट है 40 दिन लगातार इस बच्चे के वजन के बराबर आपने चने की दाल लेनी है और किसी भी धार्मिक स्थान में आप उसको दान करवाना शुरू करिए। इस उपाय की शुरुआत आप संडे से कर लीजिएगा और 40 दिन लगातार करिएगा। माता पिता कोई भी कर सकता है, मैं आपको श्योरिटी से बोल सकती हूँ कि 40 दिन के अंदर ना आप अपने घर में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे जो आपने इतने सालों में नहीं देखा होगा ना। लेकिन आप इस उपाय को जब शुरू करेंगे 5 से 6 दिन में ही आप बहुत अच्छा चेंज देखने लगेंगे। और प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो कहाँ तक कितनी सही हैं, क्योंकि आपने तो सिर्फ मुझे सवाल किया है इसकी सेहत को लेकर, लेकिन मैं यहाँ से देख पा रही हूँ कि अगर इसके फादर का बिजनेस रहा है तो डाउनफॉल बहुत आया है, और अगर जॉब करते हैं तो उनकी जॉब बहुत छूटी है, जॉब में बहुत दिक्कत परेशानी आई होंगी। मतलब फादर का करियर एक तरह से मैं कहूँगी खत्म हो चुका होगा इस बच्चे के होने के बाद से। आइए अब हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और आप सबसे बात करना बहुत ही ज़रूरी था इस टॉपिक को लेकर, वो इसलिए क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सी एक स्टोरी मुझे पता है, और आप में से ही किसी ने बहुत सुंदर सा सवाल किया, मैंने एक वीडियो डाली थी गाय की सेवा क्यों करनी चाहिए, उस पर कि आप लोग गाय को माता क्यों कहते हैं। मतलब इसके बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न भी हैं कि हम गाय को माता क्यों कहते हैं। जिस माँ का दूध आपके लिए एक औषधि का काम करता है, तो वो किसी, मतलब माँ शब्द भी शायद छोटा है उसके लिए, जो आपको जीवन देती है ना। लेकिन फिर भी जिसने भी ये सवाल किया, मुझे नहीं पता आपकी मनोस्थिति क्या रही होगी, पर बहुत अच्छी बात है आपने ये सवाल किया। तो आज मैं ना उन्हीं के कमेंट को लेकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि गाय को हम माता कहते क्यों हैं। एक बार श्री कृष्ण ने एक गाय से पूछा कि मैंने तुझे ये 2 सींग दिए हैं ताकि तू अपनी रक्षा खुद कर सके, पर तुम ऐसा करती क्यों नहीं हो, किसी को सींग क्यों नहीं मारती जब कोई तुम्हें परेशान करता है। तो इस पर से गाय माता बोलती है, कान्हा एक बार जब पूतना नाम की राक्षसी ने तुम्हें अपना विषैला दूध पिलाया था, तब भी तुमने उसे अपनी माँ की ही, कहते ना, उपाधि देकर दी थी। तो मनुष्य तो प्रतिदिन मेरा ही दूध पीता है, भले ही वो मुझे माँ माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूध मेरा पीता है, मेरे लिए मुझे मारने के लिए आज की डेट में उतार हुआ है, लेकिन दूध तो वो मेरा ही पी रहा है। और जब वो दूध मेरा पी रहा है तो उसका कितना भला हो रहा है, उसको जीवन मिल रहा है। तो मनुष्य भले ही मुझे माँ माने या ना माने, लेकिन मैं तो अपना पुत्र मानती हूँ, वो मेरी संतानें हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकती हूँ। तो भगवान की आंखों में ना आंसू आ गए और उन्होंने आंसुओं की बूंदों को अंजलि में लेकर ये संकल्प लिया कि गौ मैया तू महान है, मैं चाहे जिस रूप में भी रहूं तेरी रक्षा के लिए मैं सदैव आता रहूंगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक तू ही है जो मारने वाले को अपना पुत्र समझती है। तो तुझसे बड़ी माँ तो कोई हो ही नहीं सकती है। ये इतनी प्यारी सी स्टोरी और प्यारी सी कहानी जब मैंने सुनी ना, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। और आप सोचो कि आप कह रहे हो कि हम गौ को माता क्यों कहते हैं, अब सोच के देखना, चाहे तो वो गौ माता हमें सींग मारकर दूर कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। तो गौ को माता कहना या गौ की सेवा करना, मुझे नहीं लगता हम कोई बहुत महान काम कर रहे हैं, लेकिन जितना हो सकता है उतना करना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं हाथ जोड़कर आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहूंगी
कि अगली बार आप मेरी वीडियो के नीचे इस तरीके के कमेंट मत करना कि गौ को आप माता क्यों कहते हैं, या हम हिंदू लोग पागल हैं जो गौ को माता कहते हैं। और जो भी मेरी इस वीडियो से मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। बस इस वीडियो के लिए मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो लोग मूर्ख है, मैं ऐसे लोगों को मूर्ख ही कहूंगी, जो लोग मूर्ख है जिन्हें पता ही नहीं है गौ को माता हम क्यों कहते हैं, शायद उन्हें समझ में आएगा कि गौ हमारी माता क्यों है। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर तो ज़रूर करना ऐसे लोगों के साथ, ताकि उनको भी अच्छी जानकारी मिल सके, उनकी बुद्धि थोड़ा सा विकसित हो सके। जय माता दी।